1950 तक वर्ल्ड क्रिकेट अलग तरीके से चलता था। पूरी दुनिया ऐसे प्लेयर्स के पीछे पागल थी जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर ले, फिर चाहे वो लाला अमरनाथ हो, अमर सिंह हो या फिर कप्तान सी के नायडू। लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट की शक्तियां असली ऑलराउंडर उसे ही मानती थी जिसने टेस्ट में कम से कम 1000 रन और 100 विकेट अपने नाम किए हों। अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। भारत के लिए ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी थे मूलवंत राय, हिम्मत लाल, वीनू मांकड़। वीनू जब क्रिकेट खेल रहे थे तो वो दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते थे, लेकिन वीनू का दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर बनना किसी एक्सीडेंट से कम नहीं है। वीनू तो भारतीय क्रिकेट को मिल ही नहीं पाते, लेकिन भला हो नवानगर के महाराजा कुमार दलीप सिंह जी का, जिन्होंने न सिर्फ वीनू को खोजा बल्कि उन्हें आगे भी लेकर आए। महान क्रिकेटर बनने से कई साल पहले एक दिन वीनू एक कब्रिस्तान में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी महाराजा दलीप सिंह जी वहां से गाड़ी लेकर गुजरते हैं। उनकी नजर उस वीनू पर पड़ी और उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, सांझे जाम बंगला पर आवी जाजो, यानी कि शाम को पैलेस पर आ जाना। इसके बाद दलीप सिंह वीनू को क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें कामयाब क्रिकेटर बनाते हैं। लेकिन दलीप सिंह जैसे जौहरी के तराशने के बावजूद वीनू को भारत के लिए खेलने में 10 साल लग गए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में इंग्लैंड जाने वाली टीम में उनका सिलेक्शन हुआ और मौका मिलते ही वो छा गए। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 3 टेस्ट मैच और कई फर्स्ट क्लास मैच खेले। इस दौरे पर उन्होंने इतने रन बना दिए जो कि आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वीनू ने उस दौरे पर 1129 रन बनाए और 129 विकेट अपने नाम किए, जिसके बाद 1947 में उन्हें विस्टन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। 1946 से 1959 तक वो भारतीय क्रिकेट का एक नायाब हीरा रहे। 1959 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ना तो वीनू दा का बर्थडे है और ना ही उनकी बरसी, फिर आखिर क्यों वीनू मांकड़ को याद किया जा रहा है। दरअसल इस संन्यास के लगभग 62 साल बाद वीनू को एक सम्मान दिया गया है। ICC ने वीनू मांकड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले ICC ने अलग अलग युग से 10 खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में जगह दी है, जिसमें वीनू के साथ साथ कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर का नाम भी शामिल है। इनके साथ जिन 10 खिलाड़ियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है उनके बारे में भी युगों के हिसाब से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1918 से पहले के युग की। इस युग से दक्षिण अफ्रीका के ऑब्रे फॉकनर और ऑस्ट्रेलिया के मॉन्टी नोबल को शामिल किया गया है। 1918 से 1945 इंटर वॉर युग, इसमें वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर सर लेरी कॉन्स्टेंटाइन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज स्टेन मैककैप को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 1946-1970 पोस्ट वॉर युग, इस युग में भारत के द ग्रेट ऑलराउंडर वीनू मांकड़ और इंग्लैंड के टेड डेक्स्टर को चुना गया है। 1971-1995 ODI युग, वनडे युग से वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज डेसमंड हेंस और इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज बॉब विलिस को जगह मिली है। 1996-2015 मॉडर्न क्रिकेट, इस एरा से कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर को शामिल किया गया है। फ्लावर जिम्बाब्वे से हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जानते हैं ICC हॉल ऑफ फेम होता क्या है। साल 2009 में ICC ने सम्मान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य क्रिकेट इतिहास से दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। 2009 में ICC ने जब इसका ऐलान किया तो इसमें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन का भी सहयोग था। शुरुआत में इसमें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के सभी 55 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जिसके बाद से ICC अवार्ड समारोह के दौरान हर वर्ष आगे के सदस्यों को जोड़ा जाता है। वीनू मांकड़ इस लिस्ट में शामिल होने वाले 7वें भारतीय हैं। उनसे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में पहुंच चुके हैं। बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर को 2009 में इस लिस्ट में जगह मिल गई थी, जबकि अनिल कुंबले को 2015, राहुल द्रविड़ को 2018 और सचिन तेंदुलकर 2019 में सम्मान से नवाजे गए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे होता है ICC हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ियों का चयन। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का सबसे पहला मानदंड, खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए। अगर आप बल्लेबाज हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके नाम कम से कम 20 शतक और 8000 रन होने चाहिए। ये क्रिकेट के दोनों प्रारूप टेस्ट या ODI किसी के भी रन हो सकते हैं या फिर किसी भी एक फॉर्मेट में बल्लेबाजी औसत
50 से ऊपर होना चाहिए। अगर गेंदबाज को इसमें शामिल होना है तो किसी भी एक फॉर्मेट में उसके नाम 200 विकेट होने चाहिए, जबकि टेस्ट में उसका स्ट्राइक रेट 50 और वनडे में 30 का होना अनिवार्य है। विकेट कीपर्स को अगर इसमें अपना नाम लिखवाना है तो कम से कम उसके नाम कुल मिलाकर 200 शिकार होने ही चाहिए। बतौर कप्तान भी इस लिस्ट में शामिल हुआ जा सकता है। अगर किसी कप्तान ने 25 टेस्ट या 100 वनडे में 50% से अधिक जीत दर्ज की है तो वो भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। एक खास बात और, ये भी जरूरी नहीं कि ये सम्मान सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ियों को ही दिया जा सकता है। किसी स्पेशल केस में सम्मान के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों के अलावा क्रिकेट के दिग्गज पत्रकार, मैच रेफरी, अंपायर और प्रशासक को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा भी एक और तरह से सम्मान मिल सकता है। अगर कोई टीम, संस्थान या फिर खिलाड़ी इन नियमों के तहत नहीं आता है तो हॉल ऑफ फेम के नामित सदस्य ऐसे लोगों और संस्थान के नाम को नॉमिनेट कर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे सदस्य का क्रिकेट में योगदान अहम रहा है तो उन्हें भी ये सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है। वो ये कि इस पर सभी नामित सदस्यों का एकमत होना अनिवार्य है। इस तरह से इन सभी पैमानों पर परख कर मौजूदा समय तक ICC ने कुल 103 खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी विपिन। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।